हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शिवशंकर तिवारी एक बार फिर स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल एग्जाम वॉरियर्स बिगिंस में। और आज के टॉपिक में मैंने लाई है कुल 2018 की 18 सबसे खास बातें। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, 2018 की 18 खास बातें हम आज लेके आए हैं। और ये सेगमेंट का ये हमारा पहला ही सेशन है और इसमें हम कुल आज 18 टॉपिक्स जो कि 2018 में प्रमुख घटनाएं घटी थी इन द सेंस ऑफ करेंट अफेयर्स के सेंस में लिया जाए, या फिर जो भी नए नियुक्तियां हुई थी, अवार्ड्स मिले थे, या फिर इंडिया टीम ने, क्रिकेट टीम ने, महिला की टीम ने, किसी भी प्रारूप में किसने भी जो भी कुछ अच्छा किया था, उस चीजों के बारे में हम यहाँ पे उस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे और उस व्यक्ति के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो बिल्कुल वीडियो को आप हमारे साथ पूरा देखिए और पूरा कॉन्सेंट्रेट होकर सुनिए, क्योंकि ये सिर्फ ना आपके सामान्य ज्ञान को बढ़ाएगा बल्कि आपके 2019 में आने वाले सभी पेपरों में ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। क्योंकि ये सारी घटनाएं सिर्फ और सिर्फ एक करंट अफेयर्स ही नहीं बल्कि एक हिस्ट्री बन के रह जाती है, क्योंकि कुछ ऐसे टारगेट बना दिए जाते हैं, कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स बना लिए जाते हैं जो कि हिस्ट्री में भी पूछा जाता रहा है। जैसे हिमा दास ने, जो कि हिमा दास जो कि नॉर्थ ईस्ट की रहने वाली हैं, और उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था 400 मीटर के दौड़ में। तो ये सिर्फ एक करंट अफेयर्स ही नहीं बल्कि एक ऐसी न्यूज है जो आपको किसी भी एग्जाम में कभी भी पूछा जा सकता है। तो कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट चीजों को मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के अपने सेगमेंट को। तो पहले देखते हैं, पहला हमारा क्वेश्चन है आज का है टॉपिक कि दैट्स इंडियाज नेशनल ब्लाइंड क्रिकेट टीम ऑन द 2018 ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप। जी हाँ, आपने भी ये न्यूज पढ़ा ही होगा कि इंडिया क्रिकेट टीम जो ब्लाइंड क्रिकेट टीम थी उसने 2018 में ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था। और इसके बारे में आगे बता दूं कि ये मैच जो था जनवरी 2018 में हुआ था, कहाँ पे हुआ था, ये यूएई जो कि यूनाइटेड अरब अमीरात है, वहां पे हुआ था शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में। और ये इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता, ज्यादा खास हो जाता, क्योंकि इंडिया ने पाकिस्तान को हराया था इस मैच में। यहाँ पे 308 रनों का टारगेट मिला था इंडिया को, जो कि थ्रिलिंग फाइनल ओवर रहा था। फाइनल ओवर में काफी दमदार मैचिंग हुई थी इसमें और वहां पर इंडिया ने पाकिस्तान को बीट किया था और इस तरह से इंडिया वर्ल्ड चैंपियंस बनी थी ब्लाइंड क्रिकेट टीम में। और ऐसा करने के बाद इंडिया क्या किया कि वो उसने जो 2014 में उसने अपने पिछला जो 2014 का वर्ल्ड कप जीता था उसका टाइटल्स अपने पास रखने में कामयाब रही थी। तो ये था इंपॉर्टेंट न्यूज, इसमें पहला हमारा। आगे देखते हैं दूसरा टॉपिक्स, जिसमें है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट पुट द प्लास्टिक बैन इन फुल इफेक्ट। तो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने क्या किया था कि प्लास्टिक बैन कर दिया था पूरी तरह से, मतलब कि अब ना उसका उत्पादन होगा, ना ही मैन्युफैक्चरिंग होगी, ना ही उसे यूज किया जाएगा, ना ही सेल किया जाएगा, ना ट्रांसपोर्टेशन होगा, ना हैंडलिंग होगी और ना ही उसे स्टोर किया जा सकता है। मतलब पूरी तरह से महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने प्लास्टिक को बैन कर दिया था, और सिर्फ प्लास्टिक नहीं बल्कि इससे बनने वाले सारे प्रोडक्ट्स को भी बैन कर दिया गया था। थर्माकोल्स वगैरह को भी, जो उसके प्रोडक्ट होते हैं, उसे बैन कर दिया गया था। और इसमें जुर्माने की भी बात की है कि अगर कोई व्यक्ति फर्स्ट या सेकेंड टाइम इसके लिए पकड़ा जाता है तो उस पे कुल 5,000 या 10,000 रुपए तक का चार्ज लगाया जाएगा, लेकिन अगर वो दूसरी या तीसरी बार ऐसा करते हुए पाया जाता है तो उसे कुल 25,000 रुपए या उससे ज्यादा का फाइन लगाया जाएगा, या फिर 3 महीने के लिए उस पे कारावास की सजा भी हो सकती है। तो इस तरह से कुल मिला के महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने इसे बैन कर दिया था। आगे देखते हैं, तीसरा टॉपिक है जिसमें बताया गया कि मिथाली राज बिकम द फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर टू स्कोर 2000 T20 रन्स। तो मिथाली राज ऐसी पहली भारतीय क्रिकेटर हैं जिन्होंने 2000 रन T20 क्रिकेट में किया है, जो कि अभी तक इंडियन क्रिकेट टीम में किसी ने नहीं किया, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो। यहाँ पे देखते हैं कि ड्यूरिंग द इंडियन वुमेन्स T20 एशिया कप टूर्नामेंट हेल्ड इन जून दिस ईयर, 2018 में जून में T20 एशिया कप हुआ था, जिसमें इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम कैप्टन मिताली राज बिकम द फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर टू स्कोर 2000 रन इन T20, अ फीट दैट हैड इवन बीन मैच्ड बाय अ सर्टेन मिस्टर कोहली। इसमें ये बताया गया कि ऐसा करने वाला, मतलब जो कि T20 में विराट कोहली ने भी बहुत अच्छा खासा रन बनाया, लेकिन उन्होंने भी 2000 रन नहीं कंप्लीट किया है अभी तक। तो मिथाली राज ऐसी पहली इंडियन क्रिकेटर बन गई हैं।
देखते हैं अगले क्वेश्चन टॉपिक्स पे, जिसमें मैं आपको मिथाली राज के बारे में कुछ यहाँ पे जानकारी दे देता हूँ कि मिथाली राज इज बोर्न ऑन 3 दिसंबर 1982। तो मिथाली राज का जो डेट ऑफ बर्थ है वो 3 दिसंबर 1982 है, जो कि जोधपुर में उनका जन्म हुआ था। वो एक इंडियन क्रिकेटर हैं और भारत की कैप्टन हैं इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम की, जो कि टेस्ट और ओडीआई दोनों में ही है। उनके अवार्ड्स के बारे में बात करें तो उन्हें पद्म श्री का अवार्ड, अर्जुन अवार्ड क्रिकेट के लिए मिल चुका है। 2018 में ही उन्हें अर्जुन अवार्ड मिला था। तो इस तरह से मैंने मिथाली राज को बताया जो कि इंडियन क्रिकेट की कैप्टन हैं। चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगले टॉपिक में बताया जा रहा है, जो चौथा टॉपिक है आज का, जिसमें बताया जा रहा है कि दीपक कर्माकर बिकम द फर्स्ट इंडियन जिमनास्ट टू क्लिंच अ गोल्ड एट अ ग्लोबल इवेंट। बिल्कुल, दीपक कर्माकर जो कि ओलंपिक्स गेम में आपने इनके कारनामे को देखा था, बहुत ही ज्यादा फेमस रही थी, बहुत सारे प्राइज मिले थे जब इन्होंने फोर्थ पोजिशन पाया था उस मैच में। तो उस समय से देखिए काफी ये फेमस हो गई थी। तो इन्होंने क्या किया कि फर्स्ट इंडियन जिमनास्ट है जिन्होंने गोल्ड मेडल अचीव किया है। इनके बारे में बता दूं कि दीपक कर्माकर इज एन इंडियन आर्टिस्टिक जिमनास्ट। कर्माकर फर्स्ट गेन अटेंशन व्हेन शी ऑन अ ब्रॉन्ज मेडल एट द 2014 कॉमनवेल्थ गेम इन ग्लासगो। ग्लासगो में जो 2014 में जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ था उसमें इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, और उसी टाइम से ये काफी फेमस हो गई है और लगभग सारे इवेंट्स में इन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया है। और इस तरह से ये फर्स्ट इंडियन फीमेल जिमनास्ट बनी है जिन्होंने ऐसा किया है और एक हिस्ट्री बनाया है इन्होंने। इनके बारे में बता दूं कि इनका जन्म 9 अगस्त 1993 को अगरतला में हुआ था, जो कि एक नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट है, जहां पे इनका जो कोच है इनका विशेश्वर नंदी हैं जो इनके कोच हैं। और इन्होंने जो अवार्ड्स जीते हैं, देखिए यहाँ पे अवार्ड्स मैं बता रहा हूँ, राजीव गांधी खेल रत्न इनको मिला है, पद्मश्री अवार्ड मिला है, अर्जुन अवार्ड मिला है जिमनास्ट के लिए, फिर राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड फॉर जिमनास्ट के लिए भी इन्हें मिला है। तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड और अर्जुन अवार्ड इनको 2018 में ही मिला था। तो इस तरह से ये भी काफी फेमस हो गई हैं। और आपके एग्जाम के लिए लगभग जितने भी मैंने अभी तक न्यूज बताया, जैसे मिताली राज हो गई या फिर दीपा कर्माकर हो गई, विराट कोहली हो गई, ऐसे जो प्लेयर्स जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड रखते हैं, आगे भी मैं बहुत सारे सुनील छेत्री के बारे में या फिर और भी जो प्लेयर्स हैं इनके बारे में बताऊंगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होते हैं इनके बारे में, ना सिर्फ इनके गेम्स के रिलेटेड बल्कि इनको किन कौन से अवार्ड मिले हैं, ये कहां से बिलोंग्स करते हैं, ये सारी चीजें भी आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सारी चीजें। देखते हैं अगले टॉपिक्स को, जिसमें डिस्कस कर रहे हैं कि सोनम वांगचुक एंड भारत वर्षनानी ऑन द रोमन मैग्सेस अवार्ड। तो ये यहाँ पे पेने पिक्चर लगाई है सोनम वांगचुक की, जिनके बारे में आपने जाना होगा, जो न्यूज में काफी आए थे जब इनको रोमन मैग्सेस अवार्ड मिला था। हालांकि इनके कैरेक्टर के बारे में बताया जाए तो 3 इडियट पिक्चर अगर आपने देखी है तो उसमें आमिर खान ने जो रोल प्ले किया है वो सोनम वांगचुक का ही रोल प्ले किया है। तो काफी फेमस रहे हैं और इसलिए इनको अवार्ड मिला है क्योंकि इन्होंने साइंस के क्षेत्र में काफी हेल्प किया है जो उन यूथ को जो लद्दाख में रहते हैं, जहां पे जिंदगी काफी डिफिकल्ट है, तो उन लोगों के लिए इन्होंने काफी हेल्पफुल वहां पे बहुत अच्छा काम किया था, इसके लिए इन्हें रोमन मैग्सेस अवार्ड मिला है। देखते हैं अगले टॉपिक पे, जिसमें हम सुनील छेत्री के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ बताया जा रहा है कि सुनील छेत्री बिकम द थर्ड हाईएस्ट स्कोरर इन द वर्ल्ड। तो सुनील छेत्री इंडिया फुटबॉल टीम के कैप्टन हैं और ये ऐसे तीसरे व्यक्ति फुटबॉलर हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा स्कोर किया है गोल करने में। इनके पहले रोनाल्डो और मेसी ही ऐसे दो व्यक्ति हैं जिन्होंने ज्यादा स्कोर किया है। तो देखते हैं, डिस्कस करते हैं इनके टॉपिक पे कि ड्यूरिंग द इंटर कॉन्टिनेंटल कप दैट वाज हेल्ड इन इंडिया दिस ईयर 2018 में हुआ था, इंडिया फुटबॉल टीम कैप्टन सुनील छेत्री ट्वीटेड अ वीडियो आस्किंग द पीपल टू अटेंड मैच इन द स्टेडियम एटलीस्ट ऑन देयर होम ग्राउंड। तो उन्होंने जब 2018 का वर्ल्ड कप, इंटरनेशनल वर्ल्ड कप हो रहा था, इंटरकॉन्टिनेंटल वर्ल्ड कप हो रहा था, तब इन्होंने लोगों से अपील किया था कि कम से कम आप फुटबॉल को देखने आए, क्योंकि आपने एडवर्टाइजमेंट में सुना होगा वर्ल्ड कप का, जिसमें कहा जा रहा था कि बनना पड़ेगा फैन। तो ऐसा कुछ एडवर्टाइजमेंट आ रहा जिसमें सुनील छेत्री ने लोगों से अपील किया था कि
कम से कम आपके होम ग्राउंड में अगर मैच चल रहा हो तो वहां पर आप आगे देख सकते हैं। और ऐसा करने से क्या हुआ कि दिस प्लिया वेंट वायरल, और ये वीडियो वायरल हो गया था जिसमें मैच हर मैच के दौरान स्टेडियम फुल रहा करता था, तो काफी इन्हें सपोर्ट मिला था। और इस तरह से उन्होंने जो मैच था, जो उसमें 100वां इंटरनेशनल मैच उन्होंने खेला था जिसमें उन्होंने 3-0 से जीता था इंडिया ने उस मैच को, हिज टोटली टैली नाउ कम्स अप विद 64 गोल। और इस तरह से सुनील छेत्री के बैग में कुल 64 गोल्स आ गए जिसकी बदौलत वो विश्व के तीसरे ऐसे प्लेयर बन गए जिन्होंने हाईएस्ट स्कोर किया है। इसके पहले क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो कि 85 किए हैं और लियोनेल मेसी जो कि 65 जो कि इनसे सिर्फ एक ही गोल्स पीछे हैं सुनील छेत्री। तो इस तरह से ये काफी फेमस रहे थे और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपोर्टेंट हो जाता है ये। तो देखते हैं सुनील छेत्री के बारे में जानते हैं कि कौन है ये। सुनील छेत्री इज एन इंडियन प्रोफेशनल फुटबॉलर हु प्लेज एट स्ट्राइकर विंगर फोर एंड कैप्टन बोथ इंडियन सुपर लीग साइड्स बेंगलुरु एफसी एंड इंडियन नेशनल टीम। तो सुनील छेत्री जो बेंगलुरु एफसी से भी गेम खेलते हैं और इंडियन नेशनल टीम की तरफ से भी ये खेलते हैं। इनका जन्म हुआ 3 अगस्त 1984 को और जो अवार्ड्स इन्हें मिले हैं, अर्जुन अवार्ड एंड पद्मश्री अवार्ड्स इनको दिया जा चुका है। देखते हैं आगे। यहां मैं बता दूं दोस्तों कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो बिल्कुल लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी इसके बारे में पता चले। और अगर किसी भी तरह का आपको क्वेरी करनी है तो आप बिल्कुल हमें कमेंट कर दीजिए। ठीक है, चलते हैं, देखते हैं अगले टॉपिक्स को हम। इंडिया गेट इट्स फर्स्ट एवर ऑल फीमेल स्वैट टीम। तो इंडिया ने अपनी सबसे पहली फीमेल स्वैट टीम बना ली है जिसमें स्वैट टीम में अभी तक केवल पुरुषों के द्वारा, मतलब मेन के द्वारा ही मेन टीम ही होती थी, लेकिन अब फीमेल टीम ही बनाया गया है। और ऐसा कहाँ पे हुआ है, तो दिल्ली पुलिस के अंदर हुआ है। अब स्वैट का मतलब क्या होता है वो मैं बता दूं कि स्वैट का मतलब होता है स्पेशल वेपन्स एंड टैक्टिक्स टीम। यहाँ मैं बता दूं कि अगस्त में इंडिया फर्स्ट ऑल फीमेल कमांडो टीम वॉज फॉर्मली इंडक्टेड इन टू द दिल्ली पुलिस बाई यूनियन मिनिस्टर राजनाथ सिंह। तो राजनाथ सिंह के द्वारा इसे इंडक्ट किया गया है दिल्ली पुलिस में, जो कि ऐसी पहली महिला कमांडो टीम बनाई गई है जिसमें कुल 36 वुमेन्स को लिया गया है, जो कि 15 मंथ के रिगरस ट्रेनिंग के बाद इनका सिलेक्शन किया गया है। बहुत ही डिफिकल्ट ट्रेनिंग होता है स्वैट टीम का, उसमें किसे कुल 36 महिलाओं को इस ग्रुप में शामिल किया गया है। और ये जो ग्रुप होती है वो हैंडल द वेपन्स को हैंडल करती है, काउंटर द टेररिज्म को काउंटर कर सकती है, एंड लर्न द कार्व मेगा, किसी भी तरह के बड़े मेगा पोर्ट्स को, जो भी बड़े बड़े वर्क हो सकते हैं, चाहे वो फ्लड से रिलेटेड हो या फिर और भी तरह का डिजास्टर हो, उन सभी चीजों में ये पार्टिसिपेट करने के लिए हमेशा ही तैयार रहती हैं। दिस टीम मेड अ मार्क इन इंडिया हिस्ट्री बिकॉज दे वर द फर्स्ट वंस टू ब्रेक द मेल होल्ड ऑन द स्पेशल वेपन्स एंड टैक्टिक्स टीम इन द कंट्री। तो ये टीम ने काफी हिस्ट्री क्रिएट किया है, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी स्पेशल वेपन एंड टैक्टिक्स टीम में महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया है। और इस तरह से इंडिया रशिया अमेरिका के बाद ऐसा तीसरा कंट्री बन गया है। देखते हैं अपने अगले टॉपिक्स को, जिसमें मैं बताने जा रहा हूं कि इनको आपने देखा ही होगा और काफी न्यूज में, जब इन्होंने पहली बार फ्लाइट को, जो कि फाइटर प्लेन को उड़ाया था, तो इनका काफी आया था न्यूज़पेपर में, तो इनका नाम जानते ही होंगे आप। ऐसे बता दूं कि ये हैं अवनी चतुर्वेदी, और इंडियन एयरफोर्स गेट इट्स फर्स्ट वुमन फाइटर पायलट। तो ये हैं रीवा मध्य प्रदेश की, जिन्होंने पहली महिला हैं जिन्होंने फाइटर प्लेन्स को उड़ाया था। तो इनके बारे में जानते हैं कि इन फरवरी 24 इयर्स ओल्ड अवनी चतुर्वेदी बिकम द फर्स्ट वुमेन इन इंडिया टू फ्लाई अ फाइटर जेट अलोन। तो ऐसी पहली महिला थी जिन्होंने फाइटर जेट प्लेन को अकेले ही उड़ाया था। ठीक है, द फ्लाइंग ऑफिसर फ्लू अ मिग 21 बाइसन विच पोजेस द हाइएस्ट टेक ऑफ एंड लैंडिंग स्पीड इन द वर्ल्ड। तो मिग 21 एक ऐसी फाइटर प्लेन है जो दुनिया की सबसे तेज हाईएस्ट लैंडिंग और स्पीड होती है, और टेक ऑफ स्पीड भी इसकी काफी ज्यादा होती है, और ऐसे विमान को इन्होंने उड़ाया है। हर मेडन सोलो ट्रेनिंग लास्टेड 30 मिनट्स एंड पुट इंडिया ऑन अ ग्लोबल लिस्ट ऑफ कंट्रीज लाइक USA, इसराइल एंड UK वर वुमेन प्ले एन
एक्टिव कॉम्बैट रोल। तो इंडिया भी उन सभी देशों में अब शुमार हो गया है जहां पे महिलाएं भी फाइटर प्लेन को उड़ाती हैं, जिनमें से यूएस, इसराइल और यूके ही अब तक ऐसे कंट्री थी जहां पे वुमेन ने कॉम्बैट में एक बिग रोल प्ले करती थी। तो अब इंडिया भी इसमें शामिल हो गया है। अवनी चतुर्वेदी के बारे में और जानते हैं कि ये फ्लाइट लेफ्टिनेंट अवनी चतुर्वेदी हैं जो कि इंडियन एयरफोर्स में एक लेफ्टिनेंट के पद पे हैं। साथ में इनके सी इज द फ्रॉम रीवा डिस्ट्रिक्ट जो कि मैंने बताया आपके मध्य प्रदेश से हैं, और इन्होंने वॉज डिक्लेयर्ड एज द फर्स्ट कॉम्बैट पायलट अलॉन्ग विद द टू ऑफ हर कोहोर्ट। इनके साथ दो और लोगों को भी, दो और फीमेल्स को भी इसके लिए कोहोर्ट किया गया था, जिसमें मोहना सिंह एंड भावना कांत, ये दोनों लोग भी इंडियन एयरफोर्स में पायलट के रूप में इन्हें भी कोहोर्ट किया गया है। द ट्रियो वॉज इंडक्टेड इन टू द इंडियन एयरफोर्स फाइटर स्क्वाडन इन जून 2016। 2016 में इन लोगों को कर दिया गया था फाइटर प्लेन उड़ाने के लिए इनकी मान्यता प्राप्त हो गई थी। इनके बारे में जानते हैं कि अवनी चतुर्वेदी, जिनका जन्म हुआ था 27 अक्टूबर 1993 रीवा डिस्ट्रिक्ट में। तो आशा है आपको चीजें समझ में आ रही होंगी और आप बहुत ही अच्छे से इस चीजों को समझ पा रहे होंगे और आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ऐसी मेरी शुभकामनाएं कह लीजिए या फिर हमारी इच्छा कह लीजिए। ठीक है, देखते हैं अगले टॉपिक को। एन इंडियन ओरिजिन इंजीनियर ऑन एन ऑस्कर। तो भारत के ओरिजिन से एक इंजीनियर है जिन्होंने ऑस्कर अवार्ड जीता है और उनका नाम है विकास सथाय। इनका जन्म पुणे में हुआ था। पुणे के एक इंजीनियर हैं जिनको ऑस्कर अवार्ड मिला है। वॉज अ पार्ट ऑफ द टीम दैट ऑन एन ऑस्कर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी सथाय एंड हिज टीम्स इनोवेशन द सुतवर K1 हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज एन इम्पोर्टेंट ब्रेक थ्रू इन फिल्मिंग मीड एयर सीक्वेंस एंड वॉज यूज इन मूवीज सच एज डिंक एंड गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी अमॉन्ग द अदर्स। गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी पिक्चर तो आपने देखी होगी। तो इस तरह की जो पिक्चरें होती हैं जिसमें टेक्नोलॉजी को ज्यादा बढ़ा के दिखाया जाता है। अब गार्जियंस ऑफ गैलेक्सी अगर आपने देखी हो तो आपको चीजें समझ में आ जाएगी, क्योंकि उस गार्जियंस ऑफ गैलेक्सी में दिखाया गया है कि कैसे गैलेक्सी में जो भी घटनाएं घटित होती हैं वो कैसे होती हैं और उन्हें चीजों को कैसे कमांड किया जा सकता है। तो इस तरह की पिक्चरों में के डिजाइनिंग के लिए इनका नाम आया था और इसलिए इनको ऑस्कर अवार्ड मिला था। और इसलिए इस चीज को यहाँ पे शामिल मैंने किया है क्योंकि ये इंडियन ओरिजिन के एक इंजीनियर हैं जो कि पुणे से बिलोंग करते हैं। देखते हैं अगले टॉपिक्स को, जिसमें बताया जा रहा है कि वर्ल्ड्स फर्स्ट थर्मल बैटरी प्लांट वॉज बिल्ट इन आंध्र प्रदेश। तो दुनिया का सबसे पहला थर्मल बैटरी प्लांट्स। अब थर्मल बैटरी प्लांट्स का मतलब ये होता है कि वो बैटरी जो हीट से जनरेट करके एक बैटरी का प्लांट बनाया जाए जो जहां से इलेक्ट्रिसिटी आपको प्रोवाइड की जा सके। तो ऐसा पहला दुनिया का देश हुआ है इंडिया, जहां आंध्र प्रदेश में ऐसी इस तरह की कुछ प्लांट्स बनाए गए हैं। यहां बता दूं कि इन अगस्त द वर्ल्ड्स फर्स्ट एवर बैटरी प्लांट वॉज अनविल्ड इन आंध्र प्रदेश। इट हैज बीन मैन्युफैक्चर्ड बाई भारत एनर्जी स्टोरेज टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड एंड इज एम्ड at increasing energy production by the means of renewable source of energy। तो यहाँ पे इंडिया ऐसा पहला कंट्री हो चुका है जिसने थर्मल बैटरी प्लांट बनाया है। और ये किसके द्वारा बनाया जा रहा है, तो यहाँ पे आपको नोट करना है कि भारत एनर्जी स्टोरेज टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इसको मैन्युफैक्चर किया गया है और ये एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज के माध्यम से काम करता है, जिसमें आपको बता दूं कि द बैटरी विल यूज द एनर्जी क्रिएटेड बाय द टेम्परेचर डिफरेंस। ये इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर डिफरेंस को फॉलो करके ये बैटरी एनर्जी क्रिएट करती है। मतलब ये हुआ कि अगर टेम्परेचर के बीच में डिफरेंस होता है, मतलब नाइट का टेम्परेचर लो हो जाता है और डे का टेम्परेचर हाई हो जाता है, तो उनके डिफरेंस को कंजर्व करके ये इलेक्ट्रिसिटी को, एनर्जी को जनरेट करता है। और ये टेक्नोलॉजी कैन बी यूज इफेक्टिवली इन रिमोट एरियाज लाइक हिल्स, ईस्ट लैंड्स। ठीक है, तो रिमोट एरिया जहां पे इलेक्ट्रिसिटी को ले जाना पॉसिबल ज्यादा नहीं हो पाता है, जो कि रिमोट एरिया होते हैं, हिल्स होती हैं, लैंड्स, ईस्टलैंड्स वगैरह होते हैं, तो वहां पे किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जा सकता है, तो वहां पे इस चीज को, इस टेक्नोलॉजी को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू स्टोर एनर्जी फॉर टेलीकम्युनिकेशन, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट, इलेक्ट्रिक ग्रिड्स एंड मोर, वाइल मेंटेनिंग अ लो कार्बन फुटप्रिंट।
तो इस तरह से ये जो टेक्नोलॉजी है काफी हेल्पफुल रही है इंडिया के लिए, और ये ना सिर्फ जनरेट कर सकती है बल्कि एनर्जी को स्टोर भी कर सकती है। किसके लिए? टेलीकम्युनिकेशन के लिए, कमर्शियल्स के लिए, एस्टेब्लिशमेंट के लिए और इलेक्ट्रिक ग्रिड्स के लिए इस चीज को स्टोर भी किया जा सकता है। तो इस तरह से इंडिया ने बहुत बड़ी अचीवमेंट्स हासिल कर ली है। चलते हैं अगले टॉपिक के देखते हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि गीता गोपीनाथ बिकम्स द फर्स्ट वुमेन टू बी नेम्ड आईएमएफ चीफ इकोनॉमिस्ट। तो गीता गोपीनाथ, जिनकी मैंने यहाँ पे पिक्चर लगा रखी है, ये ऐसी पहली महिला बन गई हैं जिनको आईएमएफ में चीफ इकोनॉमिस्ट के पद पर पदवी मिली हुई है। यहाँ बता दूं कि गीता गोपीनाथ क्रिएटेड हिस्ट्री व्हेन शी बिकम द फर्स्ट वुमेन एवर टू होल्ड द पोजीशन ऑफ चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो आईएमएफ जो कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसके बारे में आपने सुना होगा, अगर आपने नहीं जानते हैं तो मैं इसके बाद आपके बीच कर डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। तो ये बता दूं कि शी इज द सेकंड इंडियन टू हैव होल्ड द पोजीशन आफ्टर रघुराम राजन। तो इसके पहले रघुराम राजन जो थे वो चीफ इकोनॉमिस्ट थे आईएमएफ के, उसके बाद ये गीता गोपीनाथ बनी है जो कि दुनिया की पहली महिला है, फर्स्ट वुमेन है जो इस पदवी पे विराजमान हुई हैं। तो इसके बाद बता दूं गीता गोपीनाथ जो कि मैसूर से बिलोंग करती हैं एंड बिकम एन इकोनॉमिस्ट ग्रेजुएट आफ्टर स्टडिंग द दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। तो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से इन्होंने ग्रेजुएशन किया है, फिर लेडी श्रीराम कॉलेज में इन्होंने पढ़ाई की है, उसके बाद इन्होंने पीएचडी किया है फ्रॉम प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से एंड इवन थॉट एट हार्वर्ड, और जो कि यूके का हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है उसमें भी इन्होंने लेक्चरर का काम किया है, मतलब वहां भी इन्होंने टीचिंग कराई है। गोपीनाथ हैज ऑल्सो वर्क क्लोजली विद द इंडियन गवर्नमेंट, और भारत सरकार के साथ भी इन्होंने काम कर चुकी हैं। तो काफी इनके पास एक्सपीरियंस रहा है इकोनॉमिक के फील्ड में, जिस वजह से इनको आईएमएफ के चीफ इकोनॉमिस्ट के पदवी पर इनको शामिल किया गया है। देखते हैं आईएमएफ के बारे में थोड़ा सा, मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ कि जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वॉशिंगटन डीसी में है, और इसमें कुल मेंबर कंट्री कितने हैं, 189 मेंबर कंट्री है, जो कि ग्लोबल मॉनेटरी कॉर्पोरेशन और सिक्योरिटी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए काम करते हैं। मतलब दुनिया भर में जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज जो होती हैं, तो उसको स्टेबिलिटी कैसे प्रोवाइड किया जाए, मतलब स्थिरता कैसे प्रोवाइड किया जाए, उसके बेस पे ये काम करती है। इनके जो आईएमएफ के सीईओ हैं वो हैं क्रिश्चियन लेगार्ड, जिनको 5 जुलाई 2011 से इस पदवी पे हैं और अभी तक ये बने हुए हैं। आईएमएफ का जो फाउंड कब हुआ था, तो 27 दिसंबर 1945 पे, और इसके साथ साथ बता दूं कि 1945 को ही, यानी कि जब आईएमएफ गठित हुआ था उस टाइम पे ही एक और संस्था गठित हुई थी जिसका नाम था वर्ल्ड बैंक, ठीक है। चलते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया क्लोज टू अचीव इट्स मैसिव 2022 क्लीन एनर्जी टारगेट जून 2018। तो इंडिया ने 2022 का जो मैसिव टारगेट रखा था क्लीन एनर्जी का, उसने इंडिया ने इसके काफी क्लोज आ गया है, और ऐसा लग रहा है कि अब ये जो टारगेट 2022 तक का रखा गया था उसे बिल्कुल ही प्राप्त कर लिया जाएगा। तो सेवरल इयर्स अगो व्हेन इंडिया सेट अ टारगेट ऑफ 175 गीगावाट्स ऑफ विंड एंड सोलर एनर्जी बाय मार्च 2022, it was thought of as far off dream. तो जब बहुत साल पहले इस बात का टारगेट रखा गया था कि 2022 तक इंडिया के पास 175 गीगावाट्स की एनर्जी होगी, जो कि 2022 के लिए टारगेट किया गया था, और ऐसा लग रहा था कि ये बहुत लंबा ड्रीम है जो कि पॉसिबल नहीं लग रहा था, लेकिन अब इसे कंप्लीट कर लिया गया है, और इस टाइम पे इंडिया ने 70 गीगावाट एनर्जी को प्रोड्यूस कर चुकी है, और इसमें अभी 40 गीगावाट ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन में है, और इसके बाद जब अगर इंडिया ऐसा कर लेता है तो ये दुनिया का पांचवा ऐसा कंट्री होगा जिसके पास इतनी बड़ी मात्रा में एनर्जी लेवल होगा। और इसके साथ ही द टारगेट नाउ सीम्स क्विट इजी टू अचीव, और ये टारगेट अब बहुत ही आसान लग रहा है। आरके सिंह, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, सेड इन अ स्टेटमेंट। तो आरके सिंह जो कि यूनियन मिनिस्टर के पावर एंड न्यू रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के मिनिस्टर रहे हैं, और उन्होंने कहा है कि इंडिया करेंटली रिन्यूएबल बेस्ड पावर कैपेसिटी स्टैंड एट 70 गीगावाट एंड वी विल क्रॉस द 175 गीगावाट टारगेट वेल बिफोर 2020।
तो उन्होंने कहा कि हमने अभी तक 70 गीगावाट जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है उसे अचीव कर लिया है, और 2022 से पहले ही हम 175 गीगावाट का जो टारगेट रखा गया था उसे भी कंप्लीट कर लेंगे। और ये कैसे होगा कि ये बताया जा रहा है कि लाइक ऑफशोर विंड एंड फ्लोटिंग सोलर विच विल हेल्प अस ओवर अचीव द करेंट टारगेट। ऑफशोर मतलब जो ऑफशोर का मतलब जो समुद्री किनारों से अंदर की जो सतह होती है वहां पे जो विंड्स होती हैं काफी मात्रा में, वहां से भी एनर्जी कंज्यूम की जा सकती है, और फ्लोटिंग सोलर जो सोलर पावर से भी एनर्जी काफी, सोलर पावर पे भी काफी ध्यान दिया जा रहा है। तो इस तरह से ये जो टारगेट रखा गया है उसे उससे पहले ही कंप्लीट किया जा सकता है। और ऐसा कहा जा रहा है कि ड्यू टू दिस और ऐसा करने से हम 2022 तक 227 गीगावाट तक की एनर्जी को भी अचीव कर सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो इंडिया चाइना एंड यूएसए को भी पीछे छोड़ देगा रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में। तो काफी बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी इंडिया के लिए और काफी बिगेस्ट अचीवमेंट होगा कि अगर इंडिया 227 गीगावाट एनर्जी जो कि रिन्यूएबल एनर्जी होगी उसे अचीव कर लेता है। ठीक है, तो काफी एक इम्पोर्टेंट न्यूज है आपके लिए और इसे ध्यान में रखना जरूरी है, जो कि आपकी एग्जाम्स के लिए डेफिनेटली इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं अपने अगले टॉपिक्स पे चलते हैं, जिसमें मैं बता रहा हूँ हिमा दास के बारे में, जिन्होंने ब्रेक रिकॉर्ड्स आफ्टर रिकॉर्ड। जी बिल्कुल, आपने सही सुना कि उन्होंने अपने ही रिकॉर्ड को दोबारा से तोड़ दिया है। हिमा दास जो कि 18 इयर्स ओल्ड असामी स्प्रिंटर हैं और उन्होंने वर्ल्ड अंडर 20 चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया था, जिसमें वुमेन्स 400 मीटर इवेंट में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था और वहां पे उन्होंने अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ा था, जिसमें उन्होंने पहली बार जब वो एशियन गेम 2018 में पार्टिसिपेट किया था तो उसमें उन्होंने 51 सेकेंड में 400 मीटर रनिंग लगाई थी। लेकिन उसके बाद ही उन्होंने 400 मीटर में जो फाइनल मैच हुआ था उसमें उसके रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 50.79 सेकेंड में कंप्लीट कर लिया था और अपने रिकॉर्ड को ब्रेक कर लिया था। तो इस तरह से उन्होंने अपने रिकॉर्ड को ही ब्रेक किया। अब देखते हैं कि हिमा दास के बारे में जानते हैं कि वो कौन है जिनका दूसरा नाम ढिंग एक्सप्रेस कहा जाता है। ढिंग एक्सप्रेस इसलिए क्योंकि हिमा दास असम के ढिंग जिले से आती हैं, इसलिए उन्हें ढिंग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। और इनका जन्म 9 जनवरी 2000 में हुआ था। जिनको अगर गोल्ड मेडल के बारे में बात करें तो एथलेटिक्स 2018 एशियन गेम और वुमेन्स 4x400 मीटर्स रिले रेस में इनको गोल्ड मेडल मिला था। अवार्ड्स के बारे में बात करें तो अर्जुन अवार्ड इनको एथलेटिक्स के लिए मिल चुका है। तो काफी अच्छा काम किया है इन्होंने और रनिंग में इंडिया के लिए पोजीशन को इन्होंने काफी आगे लेके आई हैं, जो कि महिलाओं में अभी तक सिर्फ पीटी उषा के बाद ऐसी पहली महिला ये बन चुकी हैं। तो देखते हैं अपने अगले टॉपिक्स पे, जिसे बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक्स डाउन सेक्शन 377। सितंबर 2018 में ही इस सेक्शन 377 जो था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्ट्राइक डाउन कर दिया है, मतलब इस सेक्शन को अब हटा दिया गया है, इसमें जो बैंस लगाए गए थे उसको हटा दिया गया है। तो काफी इंपॉर्टेंट न्यूज ये भी रही थी 2018 की, एक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई सबसे इंपॉर्टेंट न्यूजों में से एक थी। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, जिसमें बताया जा रहा है कि विराट कोहली रिकॉर्ड्स ब्रेकिंग स्प्री कंटिन्यूस अक्टूबर 2018। तो विराट कोहली ने भी रिकॉर्ड को ब्रेक किया है, जिसमें बताया जा रहा है कि इंडियन क्रिकेट टीम कैप्टन विराट कोहली ब्रोक अनदर रिकॉर्ड। ही बिकम द फास्टेस्ट बैट्समैन टू स्कोर 10,000 रन इन वन डे इंटरनेशनल मैच। तो वन डे इंटरनेशनल मैच में इन्होंने ये ऐसे पहले प्लेयर्स बन चुके हैं जिन्होंने 10,000 रनों का रिकॉर्ड बनाया है, जिसमें उन्होंने बताया कि सचिन तेंदुलकर जिन्होंने पहले इस रिकॉर्ड को हासिल किया था, अचीव किया था, उनके रिकॉर्ड को भी विराट कोहली ने ब्रेक कर दिया है, जो कि इन्होंने सचिन तेंदुलकर जो कि 259 इनिंग में 10,000 रन बनाए थे, लेकिन विराट कोहली ने सिर्फ 205 इनिंग में ही इस रिकॉर्ड को ब्रेक किया है। तो काफी तेजी से ये रन बनाते हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है विराट इज द रन मशीन, आपने सुना ही होगा। तो इस तरह से काफी अच्छा कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि जो सचिन तेंदुलकर ने 100 शतकों का शतक लगाया था उसे भी ये जल्दी ही ब्रेक कर देंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट हो गया है ये आपके लिए। और देखते हैं कि विराट कोहली के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कौन है, कि विराट कोहली इज एन इंडियन इंटरनेशनल क्रिकेटर हु करेंटली कैप्टन्स द इंडियन नेशनल टीम। राइट हैंडेड टॉप ऑर्डर बैट्समैन कोहली इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड। ही प्लेज फॉर रॉयल चैलेंज बेंगलुरु इन इंडियन प्रीमियर लीग एंड हैज बीन द टीम्स कैप्टन सिंस 2013।
तो 2013 से ही ये इंडियन कैप्टन टीम में है और इंडियन इंडियन टीम में ये शामिल हैं और इनका जन्म जो है 5 नवंबर 1988 को हुआ था। ये दिल्ली से बिलोंग करते हैं और काफी अच्छी प्लेइंग है इनकी और टॉप ऑर्डर में इनको खेलने का मौका मिलता है, जो कि दूसरे नंबर पे तीसरे नंबर पे आते हैं। ये काफी अच्छा रनिंग करते हैं। चलते हैं, देखते हैं अपने अगले टॉपिक पे, जिसमें बताया जा रहा है कि एससी मेक्स आधार कार्ड नॉन मैंडेटरी। तो सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को नॉन मैंडेटरी कर दिया है, मतलब कि अब जरूरी नहीं है कि बिना आधार कार्ड के आपका कोई काम ना हो। मतलब कि अब जैसे रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट ने कर दिया था कि सारे जगहों पे आपको आधार कार्ड की जरूरत होगी, बिना आधार कार्ड के आप ना राशन ले सकते हो, ना स्कूलों में एडमिशन हो सकता है, और भी जो भी गवर्नमेंट की फैसिलिटीज थी उसको आप ले नहीं सकते। तो इस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है और अब आप बिना आधार कार्ड के भी मोबाइल कनेक्शन हो गया या फिर बैंक से अकाउंट हो गए या फिर स्कूलों में एडमिशन हो गया, उन चीजों को भी काफी इम्पोर्टेंट और हिस्टोरिकल ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था जिसे दिया गया था, ताकि लोगों को सुविधा हो सके जिनके पास आधार कार्ड ना हो, उन्हें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। तो इस तरह की चीजों को हटाने के लिए एससी ने काफी हिस्टोरिकल कमेंट किया था इस चीज पे, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रह गया था 2018 में ये। तो देखते हैं अपने अगले टॉपिक्स पे, जिसमें मैंने बताया है कि अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि लेजेंड थे, एक नेता ही नहीं कहेंगे, लीडर ही नहीं कहेंगे, बल्कि एक पोएट भी थे, एक राइटर भी थे, बहुत अच्छी अच्छी बुकें लिखी हैं इन्होंने, तो इनके बारे में तो हर कोई जानता है, जो कि 16 अगस्त 2018 में इनका डेथ हो गया था। तो इनके बारे में जानते हैं कि पोएट्री इन माई हार्ट संग इन माई सॉल, इन्होंने कहा था कि पोएट्री मेरा दिल है और मेरी आत्मा उसे गाती है। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी पास्ड अवे इन अगस्त दिस ईयर। ही वॉज इंडियाज 10th प्राइम मिनिस्टर एंड द कंट्रीज फर्स्ट नॉन कांग्रेस पीएम टू कंप्लीट अ 5-year टर्म। तो ऐसे पहले नॉन कांग्रेसी प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने 5 साल तक का टर्म कंप्लीट किया था और ये 10वें प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के। इनके डेट ऑफ बर्थ के बारे में बता दूं कि इनका जन्म 25 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है, जो कि क्रिसमस डे का दिन होता है, और इन्हें भारत रत्न का अवार्ड भी दिया जा चुका है। आगे मैं बता दूं कि ही सर्व 3 टर्म्स, द फर्स्ट फॉर 13 डेज इन 1996 में इन्होंने 13 दिन के लिए इनको सरकार बनाने का मौका मिला था, जिसमें प्रधानमंत्री बने थे। उसके बाद 1988 में इन्होंने 13 महीने के लिए प्राइम मिनिस्टर बने थे और उसके बाद 1999 से 2004 तक ये 5 साल के लिए कंप्लीट टर्म के लिए इन्होंने प्राइम मिनिस्टर बने थे, और जिसमें इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया था, और उस 5 साल के अचीवमेंट में भी इन्होंने बहुत अच्छा ऐसा काम किया था कि लोग इन्हें याद आज भी करते हैं। अदर द कोर्स ऑफ हिज पॉलिटिकल करियर ही कॉन्टेस्टेड डिफरेंट इलेक्शन टू बोथ द लोकसभा एंड द राज्यसभा, विनिंग 9 and 2 times रिस्पेक्टिवली। तो ये एक ऐसे लीडर थे जिन्होंने बोथ लोकसभा और राज्यसभा में इन्होंने इलेक्शन जीता था, जिसमें कुल मिला के 9 बार इन्होंने इलेक्शन जीते थे, जिसमें 2 बार इन्होंने ये लगातार जीते थे। वाजपेयी वॉज ऑल्सो अ राइटर एंड पोएट, पब्लिशिंग 6 poetry books, और 6 इनकी बुकें भी पब्लिश हो चुकी हैं। इनके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाई है, जिसको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसका लिंक आप चाहें तो उसे देख सकते हैं, जिसमें मैंने अटल बिहारी वाजपेयी के जो कविताएं हैं जो इन्होंने कही हैं, उस चीजों के बारे में मैंने बताया है, जो कि आपको काफी इंस्पिरेशनल फील करा सकती हैं और आपके मोटिव को काफी इनकरेज भी कर सकती हैं। तो बिल्कुल आप लिंक में दे दूंगा, उसमें आप जाके उस वीडियो को पूरा बिल्कुल देखिएगा। अगले टॉपिक पे देखते हैं, जो कि आज का हमारा लास्ट टॉपिक है, 18 ग्रेट थिंग्स दैट हैपेंड इन 2018, और 18 सबसे खास बातों में ये आज का 18वां सबसे खास बात है 2018 का, जिसमें इंडिया नेशनल अंडर 19 क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीता था फरवरी 2018 में, और ऐसा करने से ये 4th time ऐसा टाइम था जिसमें अंडर 19 क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीता था। तो देखते हैं, इंडिया बिकम द ओनली कंट्री टू हैव ऑन द अंडर 19 वर्ल्ड कप 4 times, तो 4 बार जीतने वाली ऐसी पहली इंडिया टीम है जिसने इसको 4 बार जीता है, और इसके कैप्टन कौन है, तो वो है पृथ्वी शाह, जिसे आप जानते हैं पृथ्वी शाह,
जो कि बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं अंडर 19 की, और उन्होंने इसका कैप्टनशिप की थी और कुल मिलाकर 4 बार इंडिया ने जीता था, और लास्ट टाइम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हरा के ये टाइटल अपने हाथ में लिया था। आगे बता दूं कि एंड थैंक्स टू मंजूत कार्लास 101 नॉट आउट एंड द अंडर 19 टीम पेव्ड द वे टू हिस्ट्री। तो मंजूत जो कि लास्ट मैच में इन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन किया था और जिन्होंने 101 रन बनाया था वो भी नॉट आउट रहे थे। इसके पहले मैं बता दूं कि 2012 में, 2018 में और 2000 में इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता है, और 2008 के 12 के बाद ये चौथा ऐसा टाइम था जिसमें इंडिया ने अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता है। तो ये आज का लास्ट टॉपिक था। कैसा लगा आपको ये टॉपिक्स जिसमें मैंने 18 खास बातें आपको 2018 की बताई हैं, जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप चाहेंगे तो मैं इसका अगला सेगमेंट भी लेके आऊंगा जिसमें मैं 2018 में होने वाली जितनी भी नियुक्तियां थी, जो भी गवर्नमेंट के स्कीम थे, जो भी इम्पोर्टेंट कंट्रीज के साथ भारत का एमओएम हुआ था, जैसे मेमोरेंडम कहा जा सकता है, वो सारी चीजों को मैं 2018 के 18 खास बातों के सेगमेंट में 18-18 करके टॉपिक्स को लेके आऊंगा। तो बिल्कुल आप मुझे इनकरेज करिएगा और आप मुझे बताइएगा क्या मैं ऐसा करूं, तो मुझे भी इनकरेज होगा और मुझे भी बहुत ज्यादा खुशी होगी कि अगर आप ऐसा चाहते हैं तो। बाकी दोस्तों धन्यवाद और आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।